नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को औपचारिक रूप से ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और खेला होवे के नारे से पूरा विधानसभा क्षेत्र पट गया है। दूसरी ओर टीएमसी ने चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही भवानीपुर में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। टीएमसी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता मदन मित्रा ने रविवार को ये भी कहा है कि बीजेपी को भवानीपुर में ममता के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, वरना पैसे बर्बाद होंगे। मदन मित्रा ने आगे कहा कि भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार कर बीजेपी पैसे बर्बाद ना करे, ये चुनाव पूरी तरह एक तरफा है। पैसा खर्च मत करो, बच्चे लोग को दे दो, अपना ससुराल को खर्चा कराओ, उसको मिठाई खिलाओ, मटन खिलाओ, लैम्ब खिलाओ, लेकिन ममता को विरोध में कोई चुनाव मत दो। ये चुनाव ये टोटली वन साइडेड गेम होगा और इसको वॉकओवर हो जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। दूसरी ओर पार्टी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी, जंगीपुर से जाकिर हुसैन, शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के साथ ही शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट, जहां उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव टल गया था, वहां भी अब चुनाव होगा। इन तीनों विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के लिए 13 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा, 16 सितंबर तक नाम वापसी होगी और 30 सितंबर को मतदान व 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का उपचुनाव जीतना बेहद आवश्यक है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार के बाद मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी अगर 5 नवंबर तक विधायक नहीं बनती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद त्यागना होगा। ममता ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन इस पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से ही चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था और वो शुभेंदु अधिकारी के हाथों पराजित हुई थी। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।